मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में। तो चलिए, आज का इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो है कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का, जबलपुर डिवीज़न मतलब WCR का एक क्वेश्चन पेपर है। आज हम उनके सारे क्वेश्चन को, जो कि नए पैटर्न पर 100% ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड बेस्ड है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, हो सकता है कि अगर वीडियो लंबी होती है तो मैं इसको पार्ट में बनाऊंगा, कोशिश करूंगा वीडियो को शॉर्ट में कवर करने की। तो चलिए स्टार्ट किया जाए बिना टाइम गंवाए। इसमें यह है दोस्तों इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन पेपर के लिए, जो कि 9/1/2022 को हुआ था WCR में। तो इसका कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि माइनस मार्किंग रहेगा, अगर एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो 1/3 मार्क्स उसका कम कर लिया जाएगा, रिड्यूस कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। और इसमें 110 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 10 राजभाषा के हैं। तो ये 10 क्वेश्चन मिलाकर इस टाइप से 100 और 110 हो जाते हैं। 110 में से सिर्फ 100 क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करने हैं, 100 क्वेश्चन तक ही आपके चेक किए जाएंगे। 100 से ज़्यादा अगर आप अटैम्प्ट करते हो तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो जो भी सही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर यही कोशिश करना चाहिए कि वो ही किए जाएँ। गलत क्वेश्चन करने से कभी कभी उसका रिपरक्यूशन नेगेटिव आ जाता है। तो चलिए और इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एज पर सोपेस्ट हु इज़ ऑथोराइज टू। देखिए, थोड़ा सा जब ये इसको स्कैन किया है तो कहीं कहीं कुछ पेजेस में थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो आपको ये स्क्रीन पे समझ में आया, और जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से समझ सकते हैं आप। एज पर सोपेस्ट हु इज़ ऑथोराइज टू इशू NOC पासवर्ड फॉर नॉन गजेटेड एम्प्लाई। नॉन गजेटेड जो एम्प्लाई होते हैं, उन लोगों के लिए जो है एज पर न्यू सोपेस्ट के अनुसार कौन ऑथोराइज है NOC देने के लिए? तो अराजपत्रित अधिकारी, जो ग्रुप सी एम्प्लाई होता है उसके लिए। तो डिवीज़न में जो होता है दोस्तों, ये सीनियर DPO होते हैं, जो कि आपको NOC देते हैं इसके लिए। पासपोर्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो NOC सीनियर DPO के द्वारा दिया जाता है। विच इज़ नॉट अ ट्रेनिंग मॉड्यूल। ट्रेनिंग मॉड्यूल, ट्रेनिंग इनिशिएट कौन सा नहीं है इसमें से? तो देखिए, प्रोजेक्ट सक्षम है, नाम से पता चल रहा है, एक सक्षम करने के लिए। मिशन सत्यनिष्ठा, मिशन सत्यनिष्ठा जो एक प्रकार से एक शपथ प्रकार लेने का एक कार्यक्रम था, जिसमें कि सत्यनिष्ठा की शपथ ली जाती है। तो ये ट्रेनिंग शेड्यूल मॉड्यूल इनिशिएट नहीं है। उसके बाद में मिशन कर्मयोगी, कर्मयोगी बनाने के लिए मिशन है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन जो रहेगा मिशन सत्यनिष्ठा, इसका मतलब ट्रेनिंग इनिशिएट नहीं है, बाकी ये दोनों है, और ये तीसरा चौथा आंसर तो हो ही नहीं सकता इसमें। अब देख लेते हैं कि इसमें विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कौन सा नहीं है, मतलब चिकित्सा विभाग से संबंधित? UMID दिया है, CTSE दिया है, RELHS दिया है, NTES। तो उम्मीद का पता ही है दोस्तों कि यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड आइडेंटिटी है, CTSE कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर एम्प्लॉय या इमरजेंसी, और ये दिया हुआ है कि रिटायर्ड एम्प्लॉय लिबरलाइज हेल्थ स्कीम RELHS, और NTES। NTES का मतलब होता है नेशनल ट्रेनिंग इंक्वायरी सिस्टम। तो इसमें जो है मेडिकल डिपार्टमेंट के तीनों तो मेडिकल से रिलेटेड है, लेकिन ये NTES इंक्वायरी का एक टूल है, तो इसको हम लोग, इसमें आंसर रहेगा ये NTES इज़ नॉट रिलेटेड टू मेडिकल डिपार्टमेंट, आंसर डी हो जाएगा। फोर नंबर देते हैं कि एक्सपांड RRSK। RRSK का फुल फॉर्म क्या है? RRSK, तो राष्ट्रीय रेल संरक्षा सुरक्षा कोष। इसका इसका आंसर रहेगा राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ठीक है, इसमें एक सुरक्षा कोष भी दिया हुआ है, एक संरक्षा कोष दिया है, तो पढ़ने में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। तो सेकंड बी ऑप्शन रहेगा, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, बाकी ये दुआ हुआ दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक सुरक्षा संघ ऐसा कुछ, तो ये नहीं रहेगा, बी आंसर रहेगा इसका। अब देख लेते हैं, हु इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू लेवल 6। लेवल 6 के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन रहेंगे इसमें? तो इसमें देखिए, इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है, जहाँ तक इसमें सीनियर DPO रहते हैं लेवल 6 तक के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी, लेकिन DRM को पावर जो है सीनियर DPO को पावर दे देते हैं,
तो इसका थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क इसलिए मैंने लगा के रख लिया है, अगर आपको मतलब कंफर्म आंसर पता रहे तो प्लीज़ कमेंट में करके मुझे भी बताइए। मेरे हिसाब से सीनियर डीपीओ होना चाहिए। हु इज़ कंपिटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव सीजीए टू मैरिड डॉटर? मैरिड डॉटर को जो है सीजीए अपॉइंटमेंट कौन दे सकता है, कौन कंपिटेंट अथॉरिटी है? तो सीजीए जब मेडिकल मैरिड डॉटर को दिया जाता है, नॉर्मली मैरिड डॉटर को दिया नहीं जाता है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में उसको अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है। तो उसके लिए जो पावर रहेगा जीएम सर को ही पावर रहेगा, और कोई कंपिटेंट अथॉरिटीज़ का नहीं रहेगा। तो आंसर रहेगा इसका ए। अब इन ZRUCC लेटर यू स्टैंड, ZRUCC एक प्रकार की मीटिंग होती है, जनरल रेलवे यूजर्स कंसल्टेंट कमेटी। तो इसका जो है यू के, इसके लिए क्या रहेगा? यू का उपयोग रहेगा उपयोगकर्ता, यूज़र, जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूज़र, यू फॉर यूज़र। रोस्टर फॉर रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैज़ बीन नाउ बीन पॉइंट। तो विकलांग आरक्षण हेतु रोस्टर कितने पॉइंट का बनाया जाता है? तो विकलांग आरक्षण के लिए, डिसेबल रिजर्वेशन के लिए जो रोस्टर बनाया जाता है उसमें 100 पॉइंट्स होते हैं। अलग अलग पॉइंट पे इस प्रकार से उसको डिवाइड किया रहता है, 1 से 25 से 26 से 50, 51 से 75, इस टाइप से। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें पता चलेगी। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसका आंसर रहेगा 100 100 पॉइंट्स रहते हैं उसमें। केट वर फॉर्म्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट पास ऑन, मतलब CAT जहाँ फॉर्म हुआ था उसका कब पास हुआ था वो? तो केट का प्रशासनिक न्यायाधिक अधिकरण के तहत गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1985 को, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नाम होता है CAT केट का, और इसका 1985 में मतलब इन्फोर्स हुआ था। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें 39 बेंचेस होती है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इन विच द फॉलोइंग क्रिस इज नॉट इन्वॉल्व, क्रिस इसमें से किस में इन्वॉल्व नहीं है? तो क्रिस एक प्रकार का सिस्टम है, तो क्रिस का आई पास जो है बनाया वो भी क्रिस ने बनाया है, HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ये भी क्रिस का है, लेकिन UMID जो उम्मीद जो है ये SCR का है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा UMID इज नॉट, क्रिस इज नॉट इन्वॉल्व इन UMID का, तो आंसर रहेगा UMID। व्हाट इज द कंपेंसेशन अमाउंट गिवन टू द टू लैंड लूजर अफेक्टेड बाय लैंड एक्विजिशन फॉर रेलवे प्रोजेक्ट? रेलवे प्रोजेक्ट के लिए अगर किसी व्यक्ति की लैंड उसमें एक्विजिशन होता है, मतलब उसमें ली जाती है, तो उसको मुआवजा के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो उसके मुआवजा के लिए रहेगी 5 लाख रुपये का ये अमाउंट दिया जाता है। द ई ऑफिस इज डिज़ाइन डेवलप बाय, ई ऑफिस को किसके द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया? तो ई ऑफिस को किया गया नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम सेंटर NIC के द्वारा किया गया है इसको। रेलटेल ने नहीं किया है, क्रिस ने भी नहीं किया है, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ी थी, क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ था, फिर भी इसमें जो कुछ मैंने जहाँ तक अपने लेवल पे मैं सर्च कर पाया हूँ ये है। अगर कोई गलती होती है तो आप ज़रूर उसको कमेंट में लिख के मतलब डिस्कस कर सकते हैं। फॉलोइंग इज द मेंबर पोस्ट इन रेल बोर्ड, बोर्ड में कितने निम्न सदस्य पद है? कौन कौन से? मेंबर ऑफ स्टोर्स, मेंबर ऑफ इंफ्रा, मेंबर ऑफ HR, और नन ऑफ द उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा बोर्ड में सदस्य है मतलब इनमें से? तो ये मेंबर ऑफ इंफ्रा एक सदस्य है, HR का हटा दिया गया, स्टोर्स भी नहीं है, तो इंफ्रा रहेगा, आंसर रहेगा इंफ्रा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिविलेज पासेस गिवन टू एन ऑफिसर, ऑफिसर को प्रिविलेज पासेस कितने दिए जाते हैं? तो 6 फुल सेट के पासेस दिए जाते हैं ऑफिसर को, और 3 दिए जाते हैं एम्प्लॉय को। इनकेस ऑफ न्यूली रिक्रूटमेंट ग्रुप सी स्टाफ वेर इनिशियल ट्रेनिंग इज प्रिस्क्राइब, वेन विल प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट? जो प्रोबेशन पीरियड वो कब से स्टार्ट होगा? अगर कोई ग्रुप सी में एम्प्लॉय भर्ती हुआ है तो प्रारंभिक शिक्षण निर्धारित है, उसके लिए परिवीक्षा अवधि कब से शुरू होगी? तो आफ्टर सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के सक्सेसफुल कम्प्लीट करने के बाद में उसका प्रोविजन पीरियड चालू होगा ग्रुप सी के लिए। मेक द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू चार्टर ऑफ कमिटमेंट ऑन स्टेमेंट एस पर RB 157-217 के अनुसार
संबंधित प्रतिकर्ताओं के तर्क के संबंधित लिखित मिलान कीजिए। मतलब ये कि पेयर मैच द पेयर वाला क्वेश्चन है जिसमें कि चार्टर के बारे में दिया हुआ है। 157 बाई 2017 के अनुसार जो है आरबी लेटर के अनुसार आपको इसमें चार्टर का जो टाइम पीरियड है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए 30 डेज का टाइम होता है, डिस्पोजल ऑफ SF-11 इसके लिए 31 डेज का होता है, सेंक्शन ऑफ PF 7 दिनों के अंदर होता है, और CGA डिविजनल लेवल पर अगर CGA का अपॉइंटमेंट होना है तो उसको 90 डेज होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर। CCL में नॉट बी ग्रांटेड फॉर द पीरियड लेस देन, कितने दिन से कम की पीरियड के लिए CCL नहीं दिया जा सकता है, तो 5 डेज एट अ टाइम, एक बार में कम से कम 5 दिन का उनको लेना होता है CCL, उससे कम में आप CCL नहीं ले सकते। तो आंसर हो जाएगा ए 5 डेज। इसमें लिख लेते हैं व्हाट इज द मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकमैन इन रेलवे, रेलवे में ट्रैकमैन का चिकित्सीय वर्गीकरण। तो एक आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो मेडिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगा जिसमें सारी कैटेगरीज के बारे में दिया हुआ है। तो आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी वन जो कि आंसर हो जाएगा मेडिकल ट्रैकमैन के लिए B1 रहेगा। फॉर क्लेमिंग हॉस्टल सब्सिडी व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रेसिडेंस एंड हॉस्टल, हॉस्टल और रेसिडेंस के बीच में कितनी डिस्टेंस का होना चाहिए तब जाके हॉस्पिटल सब्सिडी का क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा 50 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम, तब आप मेडिकल उसके लिए रिम्बर्समेंट कर सकते हैं, और जो अमाउंट मिलता है वो 6,750 रुपये पर मंथ के हिसाब से हॉस्टल सब्सिडी अमाउंट मिलता है। जो CEA मिलता है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो कि 2,250 रुपये है, वहीं पर अगर हॉस्टल सब्सिडी लेते हैं तो 6,750 है। तो इसमें 50 किलोमीटर याद रखिए। इस पर SOP शेड्यूल ऑफ पावर, SOP मतलब होता है शेड्यूल ऑफ पावर, व्हाट इज द मैक्सिमम अवार्ड विच कैन बी सेंक्शन बाय PCPO फॉर ऑल नॉन गजेटेड स्टाफ और ऑफिसर्स अप टू JAG ग्रेड के लिए। तो SOP के अनुसार प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक के अधिकारियों के लिए अधिकतम पुरस्कार की राशि क्या स्वीकृत की जा सकती है, तो इसका आंसर रहेगा 3,000 रुपये और 2,000 रुपये नॉन गजेटेड के लिए। ठीक है, आंसर डी रहेगा। सेलेक्ट द कैटेगरी जब आप SOP को पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लास दिया रहेगा, वहाँ पर आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट द कैटेगरी अंडर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में दो प्रकार, एक रिजर्वेशन का जो एक प्रकार से किया गया है जो सिस्टम है वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल सिस्टम है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इनका सभी ये कास्ट वाइज उसका एक सीक्वेंस दिया हुआ है। तो उस सीक्वेंस में अगर देखेंगे तो इसका काफ़ी कुछ सर्च करने के बाद में मुझे, मैं जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि यही होगा 100%। अगर कहीं आपको मिलता है इसकी जानकारी तो ज़रूर दीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वर्टिकल में SC ST OBC EWS ये तो मिलता है, लेकिन हॉरिजेंटल में ये सीक्वेंस मुझे कहीं देखने को मिला नहीं था। अगर आपको मिलता है तो ज़रूर स्क्रीनशॉट भेजिए। तो मेरे ख्याल से आप सर ए होना चाहिए, बाकी पता नहीं, बाकी देखते हैं। ज्वाइनिंग टाइम फॉर ट्रांसफर बियॉन्ड 2,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर से अधिक के स्थानांतरण के लिए। तो इसमें दोस्तों जो ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है, ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है जब आपका ट्रांसफ़र एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे होता है, तो उस कंडीशन में अगर आपके प्लेस से आपके जहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ उसकी डिस्टेंस 20 किलोमीटर से अधिक है तो आपको ये इतने दिन का ये ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। और ये जो टाइम दिया जाता है अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग है, 20 से लेके अगर 1,000 तक है तो आपको 10 दिन दिया जाता है, उसके बाद में 1,000 से 1,500 तक के लिए है, सॉरी 1,000 से 2,000 तक के लिए है तो आपको मिला जाएगा 12 दिन के लिए, और 2,000 से ऊपर है तो 15 दिन के लिए। लेकिन अगर जो लोग बाय एयर इंटाइटल हैं ट्रेवल करने के लिए उनको मैक्सिमम 12 दिन का ही ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 डेज। नेक्स्ट दिया है कि इन CP ग्राम लेटर P स्टैंड फॉर, CP ग्राम में P का मतलब क्या होता है। तो P का मतलब होता है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रेवेंसेज रिड्रेस
इसमें रिड्रेसल नहीं आएगा, रिड्रेस आएगा एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसमें पी का मतलब हो जाएगा पब्लिक, ये पब्लिक के लिए, पेंशनर्स के लिए नहीं है, तो इसमें आंसर रहेगा पब्लिक का। विच प्लान हेड इज रिलेटेड टू ट्रेनिंग, प्लान हेड का एक चार्ट दिया हुआ है, आप सर्च करेंगे तो रेलवे प्लान हेड इंडियन रेलवे डालेंगे तो आपको पूरा चार्ट आ जाएगा जिसमें कि ये सारी प्लान हेड दिए हुए रहते हैं। तो इसमें प्लान हेड 65 जो रहेगा वो रहेगा ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग और एचआरडी के लिए। प्लान हेड 17 दिया है कंप्यूटराइजेशन के लिए, और प्लान हेड 15 दिया हुआ है अमेनिटीज़ फॉर स्टाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा PH 65 इज फॉर ट्रेनिंग एंड एचआरडी के लिए। अब 25 नंबर देते हैं, देख लेते हैं, कंसिडर फॉलोइंग पेयर सही जोड़ी जमाना है अपने को इसमें। इसका भी मुझे कंफर्म आंसर मिल नहीं पाया था तो इसलिए मैंने इसको छोड़ रखा है, इसको हम लोग कर देते हैं हाईलाइट। आप इसको अगर आपको कुछ क्लियर मतलब मिलता है तो आप ज़रूर मुझे बताइए, क्योंकि इसमें मैंने जो कुछ सर्च किए थे तो उसमें मुझे मिला था कि IREPS जो था प्रोक्योरमेंट के लिए था, और ये कोई भी मतलब मुझे सही मैचिंग में नहीं मिल पाया था, तो इसका कौन सा आंसर होगा मैं बोल नहीं सकता हूँ। 26 नंबर देख लेते हैं, इसमें देखिए 15 मिनट का वीडियो हो गया, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 33 इसमें क्वेश्चन लेते हैं ताकि बाद के क्वेश्चन बाद में लेंगे। कंसिडर फॉलोइंग पेयर सही जोड़े बनाने हैं आपको, दृष्टि श्रमिक रेल समन्वय। कंसिडर फॉलोइंग पेयर सही जोड़े जमाने हैं इसमें, एक दो, एक और दो और तीन, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए ये है, प्रोजेक्ट रेलवे परियोजनाओं के लिए द पेयर आर करेक्टली मैच्ड। ये क्वेश्चन मैं शायद सॉल्व करना मुझे ध्यान नहीं रहा, छूट गया है, इसको सर्च करके हम लोग फिर इस पर चर्चा कर लेंगे। 26 नंबर को हम रेड करके छोड़ देते हैं ताकि हमको बाद में इस चीज़ को हम देख लेंगे, क्योंकि मैं ये चीज़ें सारी जब तक आप खुद सर्च नहीं करते तब तक आपको नहीं मिल पाएगा, अगर आपको पता चले तो बताइए। हु इज़ द पावर टू अल्टर रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ग्रुप सी एम्प्लॉय, ग्रुप सी एम्प्लॉय की जो रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ है उसमें कुछ करेक्शन अल्टर करना है तो उसको किसका अधिकार है, तो ये PCPO को उसके लिए राइट दिए हुए हैं, अगर कुछ करना है तो PCPO कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि जो एक प्रकार से कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता है, कम्यूटेशन पेंशन होने के बाद में जो 65 में वो एज में रिस्टोर हो जाती है, इसमें ये क्वेश्चन दिया जाता है कि जो पेंशनर है उसकी एज अगर 90 ईयर हो गई तो उस कंडीशन में उसकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो जब दोस्तों इसमें याद रखिए, जब पेंशन आप पेंशनर होते हैं और आपकी एज 80 हो जाती है, एक तो 75 की एज होने पर अगर आपने पेंशन कमिट किया है तो वो आपकी रिस्टोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में 80 से 85 की एज, 80 की एज हो जाने पर आपकी पेंशन में 20% का ग्रोथ मिलता है, मतलब बढ़ोतरी होती है। 85 की हो जाने पर 30%, 90 पे हो जाने पर 40%, 95 पे हो जाने पर 50%, और अगर आप सेंचुरी पूरा मार लेते हैं तो सेंचुरी के बाद में आपकी पेंशन जस्ट डबल हो जाती है, 100% बढ़ जाती है। तो ये एक प्रकार से एक अच्छी फैसिलिटी है पेंशनर्स के लिए, जो कि एज बढ़ने के साथ साथ उसके हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, उस कंडीशन में उसको अच्छा एक ग्रोथ यहाँ पर पेंशन में मिल जाता है। तो ये याद रखिए, इसका आंसर रहेगा इसमें 40%, सॉरी 40%। अब कंपेंशनल अलाउंस कैन नॉट बी गिवन मोर देन, अनुकंपा भत्ता कितना नहीं दिया जा सकता, 2/3 ऑफ पेंशन या ग्रेजुटी से ज़्यादा कंपेंशनल अलाउंस नहीं दिया जा सकता। कंपेंशनल अलाउंस तब दिया जाता है जब रेल एम्प्लॉय जो है डिसमिजल या रिमूवल किया जाता है उसको, उस कंडीशन में 2/3 से ज़्यादा कंपेंशनल अलाउंस नहीं दिया जाता, पेंशन नहीं दी जाती उस समय, जो अमाउंट मिलता है उसको बोला जाता है कंपेंशनल अलाउंस, पेंशन नहीं बोला जाता है। सॉरी 30 नंबर देख लेते हैं, व्हाट विल बी नॉर्मल बेसिक फैमिली पेंशन फॉर एम्प्लॉय रिटायरिंग 30/11/2021 को,
द बेसिक पे इज 36,500 एंड क्वालिफाइंग सर्विस इज 30 ईयर एंड मूल वेतन इतना 36,500। 30 वर्ष की आयु सेवा करने के बाद में कर्मचारी को सामान्य मूल पारिवारिक पेंशन। तो दोस्तों पारिवारिक पेंशन जो मिलती है उसके बेसिक का 30% मिलती है और 36,500 रुपये का उसका बेसिक है, तो उसका बेसिक के हिसाब से उसको 30% जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 10,950 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,950 बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट विल बी द रिटायरमेंट ग्रेजुटी ऑफ एम्प्लाई। एक एम्प्लाई है, उसकी रिटायरमेंट ग्रेजुटी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए क्या दिया हुआ है। बेसिक दिया हुआ है 36,500, 30/11/2021 को, क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर दी हुई है, करेंट डीए रेट दिया हुआ 31%। तो इस पे आपको ग्रेजुटी कैलकुलेट करनी है, उसकी क्या रिटायरमेंट ग्रेजुटी। तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी का फार्मूला है दोस्तों कि बेसिक जो उसका इमेल्यूमेंट होता है, इमेल्यूमेंट का 1/4 पर एवरी 6 मंथ कंप्लीटेड सर्विस के लिए दिया जाता है। और जो उसका हालांकि जो एज उसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर दी हुई है, तो ये मैक्सिमम जो है 33 ईयर्स के लिए दिया जाता है। तो 30 ईयर के लिए फुल सर्विस ले लेंगे तो उसमें आ जाएगा 6 मंथ के 60 स्पेन आ जाएंगे और 1/4 आप इमोल्यूमेंट इंटू 60 स्पेन कर लेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप ईयरली उसको निकालते हैं, बेसिक प्लस डी ए इंटू क्वालिफाइंग सर्विस बाय 215 आ जाएगा। तो ये 36,500 इंटू उसका डी ए यहाँ पर आ जाएगा, डी ए इंटू 15 ये कैलकुलेट करते हैं तो 717,225 रुपये का जो अमाउंट 225 रुपये मतलब ए आंसर जो आएगा ये रहेगा उसका। रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी दोनों में क्या कैलकुलेशन में थोड़ा सा अंतर है। रिटायरमेंट ग्रेजुटी का जस्ट डबल हो जाता है डेथ ग्रेजुटी। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर एनपीएस, एनपीएस 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई का जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए जो है गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन आता है वो कितना कर दिया गया अभी, उसको कर दिया गया, पहले 10% था ये 14% कर दिया गया है। इस प्रकार से एनपीएस में लगभग 10 और 14 इस प्रकार 24% का बेसिक प्लस डीए, और इसमें याद रखिए बेसिक और डीए दोनों इंक्लूड होता है, तो इसलिए 24% आपका अमाउंट उसमें जाता है। लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं 33 का कि एनपीएस स्टैंड फॉर, एनपीएस का क्या मतलब होता है। तो एनपीएस का मतलब न्यू पेंशन स्कीम कभी भी नहीं होता है। अगर आपको बोलने में ये एक हम लोगों ने हैबिट बना लिया है कि न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन उसका फुल फॉर्म होगा नेशनल पेंशन सिस्टम। तो अगर ऑप्शन में आता है तो आपको यही ऑप्शन को सही करना है, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों वीडियो बड़ी हो गई है, करीब 22 मिनट हो चुके हैं। बाकी के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी होने के बाद में वीडियो में थोड़ा सा चार्म्स कम हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में, 3 पार्ट में। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसी तरह आप भी कोशिश